ओके, तो अपन को ये बनाना है। अपन स्टार्ट करते हैं, अपन स्टार्ट करेंगे आज ये ऊपर वाले एरिया से, ठीक है। फोरहेड से पहले अपन चेहरे की आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है। फिर बालों की आउटलाइन बनाएंगे, नेक और ये फ्लावर वगैरह बनाएंगे। उसके बाद फिर अपन फेशियल्स पे आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट करो, तुम्हारे यहाँ 3.2, 3.2 से कितना राइट में है ये? 0.3। कितना नीचे है? 0.4। 3.2 से ध्यान रखना, यहाँ पे तुम्हें 0.1 0.2 का डिफरेंस भी भारी पड़ सकता है अगर तुमने गलत कर दिया। मान लो तुमने 0.3 डिस्टेंस आ रहा था, तुमने 0.5 ले लिया 0.2 का डिस्टेंस, उतने में क्या हो सकता है तुम्हारा स्केच थोड़ा टेढ़ा हो जाए, टिल्टेड हो जाए, तो वो मैं कह नहीं सकता। तो तुम्हारा काम है ये कि तुम एक्यूरेट मेजरमेंट लो एकदम। फिर यहाँ पे है ये 3.3 से, ये है 0.6 सेंटीमीटर। 3.3 से 0.6, तो पहले मेजरमेंट देख लो मैं कहाँ कहाँ कैसे ले रहा हूँ। तो मैं अपने देखो, हो सकता है तुम्हारा रेफरेंस अलग हो, तुम्हारे ये लाइन इसके चेहरे से क्रॉस कर रही हो, ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं है, तो तुम्हें देखना है कि मैं अपने रेफरेंस से कैसे ले रहा हूँ और फिर तुम अपने रेफरेंस से उसी तरीके से लेना। तो देखो ये आगे बढ़ा, अब ये शेप की बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हवा में अपन को एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। लेट से ये वाला पॉइंट है जहाँ से ये नीचे की तरफ टर्न हो रहा है, ये वाला पॉइंट। तो ये कैसे आता है, तुम ये देखोगे कि नीचे वाली लाइन से कितना ऊपर है ये। नीचे वाली लाइन से है ये 0.9 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है। तो 0.9 सेंटीमीटर नीचे वाली लाइन से ऊपर है, और बगल वाली लाइन से कितना राइट में है, तो वो आता है तुम्हारा 0.8। तो तुम्हारी लाइन नंबर 2 से है ये 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.8 सेंटीमीटर। तो तुम 0.8 सेंटीमीटर पे एक वर्टिकल लाइन खींचोगे ऐसे, ठीक है, और ये 0.9 सेंटीमीटर ऊपर था, तो तुम 0.9 सेंटीमीटर पे इसको कट कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम बीच बॉक्स में कोई पॉइंट ले सकते हो। अभी तक अपन ने देखा था कि लाइन में कैसे लेते हैं, अभी तुम बीच बॉक्स में कैसे ले सकते हो। तो वो यहाँ पे टर्न मार के यहाँ नीचे आया, ये आए वाले पोर्शन में, तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये है 0.9 सेंटीमीटर 3.4 से। तो 0.9 सेंटीमीटर आया यहाँ, तो यहाँ से बाहर गए, ये आया नीचे, ठीक है। तो ये होता है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर यहाँ मारा। फिर और नीचे आते हैं, 3.6 से मेजरमेंट लिया अपन ने, 1.3 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर। फिर 3.7 से 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन ने ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिसाब है इसका ले लिया। अब आते हैं जॉ लाइन पे, तो जॉ लाइन पे यहाँ तक तो अपन को फेयरली दिख रही है, तुम्हें यहाँ पे थोड़ी ब्लर सी दिख रही होगी। तो उसमें क्या करना, तुम्हें अपने रेफरेंस पे ड्रॉ कर लो थोड़ी सी एक जॉ लाइन, ठीक है। तो ये पीछे वाला पोर्शन मोस्टली अपन ऐसे थोड़ा शेडेड सा रखेंगे, तो तुम्हें इतना अंदाजा तो हो ही रहा होगा इसे एक्सटेंड करते हुए कि कहाँ कैसे जा रहा है। तो तुमने उसे ड्रॉ कर लिया, अब तुम्हारे पास एक रिजिड जॉ लाइन है, ठीक है। तो चिन वाला पोर्शन देगा, ये आया 0.6 सेंटीमीटर नीचे। फिर इधर से देखा तो ये कितना आया, ये आया 0.9, ये आया 0.7। तो यहाँ मार्क किया मैंने 0.9, यहाँ किया मैंने 0.7। फिर यहाँ पे आते तो ये वाला पॉइंट, इससे कितना लेफ्ट में है ये 0.5, कितना ऊपर है 0.5। तो यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर ऊपर, 0.5 सेंटीमीटर लेफ्ट में, ठीक है। और यहाँ आके टच कर रहा है ये ईयर वाले पोर्शन में, ठीक है। तो 0.6 हो गया ऐसे। तो मैंने क्या भैया, अब ये फेस का जो शेप है यहाँ से लेके यहाँ तक बना दिया। अब बचता क्या है, ये थोड़ा बाल वाला जो हिस्सा जा रहा है कवर करता हुआ, तो उसको भी करते हैं। तो ये 5.2 से हो रहा है, 5.2 के बगल से निकल रहा है इस तरीके से, ये नीचे आता है 5.3 के, कितने राइट में है ये 0.8, यहाँ से 0.3, 0.5.3 है कितने राइट में 0.8 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ नीचे आया, यहाँ से ऐसे 0.3 पे आ रहा है, और यहाँ थोड़ा और नीचे निकल रहा है। फिर यहाँ से देखा तो यहाँ से 0.3 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है, और यहाँ पे ऐसे टच कर रहा है ऐसे। तो मैंने ये पॉइंट्स लगा लिए, ठीक है। तो ये अपना एक पार्ट कंप्लीट होता है। तो देखो अपन स्टार्ट करते, एक काम करते हैं चेन वाले पोर्शन से। अब तुम्हें ये दो डॉट्स दिख रहे हैं, तुम्हें दिख रहा है ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है थोड़ा,
तुम्हें पता नहीं चलता यहाँ कैसे कर्व करें, या तो तुम नॉर्मली कर दो। तो तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों को ज्वाइन किया हल्के तरीके से और ऐसे एक्सटेंड किया, इन दोनों को ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा जॉइंट पॉइंटेड पोर्शन, तो उसे पॉइंटेड की जगह मैं क्या बोलता हूँ, कर्व कर दो। ठीक है, तो ये तुम्हारी चिन का हो गया हिसाब किताब कम्प्लीट, तुमने उसे पॉइंटेड कर दिया, पॉइंटेड से थोड़ी कर्व कर दी। अब अपन ऊपर चलते हैं, तो ऊपर से आओ नीचे की तरफ, तो यहाँ से आ रहे हैं अपन फोरहेड वाला पोर्शन। एक ये भी मार्किंग बना लेना, ये कितना ऊपर है यहाँ से, ये है 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर मार्क किया, ये यहाँ पे आता है। ठीक है, तो अब यहाँ धीरे धीरे देखो, तुम लोग गलती क्या करते हैं, अपन मैंने भी बहुत करी थी स्टार्टिंग में, मैं क्या करता था, कर्व पे ध्यान नहीं देता था, मैं सीधे स्ट्रेट स्ट्रेट ज्वाइन करता था, दैट वॉज गुड फॉर क्रॉस हैचिंग पोर्शन। ओके, मुझे लेकिन जब रियलिस्टिक स्केच बनाना है तो मुझे कर्व्स करने पड़ेंगे चेहरे पे। अगर हल्का सा एरिया यहाँ पे अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो मुझे वो भी बनाना है, थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है तो मैं वो हल्का सा बनाऊंगा। हल्का सा बनाने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा बाहर है, अपन क्या समझते हैं, अंदर करना एकदम अंदर कर दिया, बाहर करना एकदम बाहर कर दिया, वो नहीं होगा। तो ध्यान दो, यहाँ है जैसे यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है, ये आईब्रो वाले पोर्शन पे थोड़ा उठा हुआ है, ये दोनों हल्के से डेप्थ के साथ यहाँ पे थोड़ा धंसा हुआ है हल्का सा। ये बहुत ऐसा डिफरेंस समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे जो प्रैक्टिस करते हो तुम, ठीक है, तुम्हें एक टाइम बाद लगता है कि हाँ भाई कुछ तो गलत है, उतना एक्यूरेसी नहीं आती। तो यहाँ है, अब ये तुम्हें बता दिया था कि यहाँ पे आओगे तुम और यहाँ से तुम नीचे की तरफ टर्न मार दोगे। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ टर्न मार दिए, इसको तुमने ऊपर ज्वाइन किया ऐसे। तुम्हें एक चीज और देखनी, तुम इसे एक्सटेंड तो कर दो, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब तुम्हें कहाँ से टर्न लेना है ये वाला, तो तुम यहाँ रखोगे स्केल और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी लेंथ 0.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो तुमने 0.7 सेंटीमीटर यहाँ मार्क किया, तुम्हें पता चला ये है और ये कर्व हो गया इधर। ठीक है, ये बहुत क्रूशियल चीजें हैं, ये जो कर्व्स कहाँ करते हैं। अभी पता चला आंख यहाँ पे है, अपन उस हिसाब से ये बनाएंगे। अब तुमने ये कर्व्स गलत कर दिया, उससे तुमने एक आंख नीचे कर दी और इस आंख को मेजरमेंट से ऊपर कर दिया, तो आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो गई, वो नहीं करना है। तुम्हें ये वाले कर्व एक्यूरेटली आने चाहिए तुम्हारे। ठीक है, भले ही तुम्हें थोड़ा टाइम लगे बनाने में, टाइम लो और बनाओ, लेकिन ये सही आने चाहिए। अभी नीचे वाला पोर्शन आता है, तो ये थोड़ा एकदम स्ट्रेट तो नहीं था, थोड़ा कर्व है, अपन ने वो बनाने के लिए कर दिया था। ये हिस्सा देखना, ये नीचे आया और यहीं से ऊपर चला गया ऐसे। ठीक है, यहाँ नीचे आया सेंटर तक और फिर ऊपर जाने लगा, यहाँ ऊपर जा रहा है, जा रहा है और फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इधर पे ज्वाइन नहीं करना है अपन को, यहाँ से थोड़ा अपन ईयर्स बनाएंगे ऐसे हल्के से जो दिख रहे हैं, इसे कर्व ही रखना ये पूरा पोर्शन ऐसे ऊपर की तरफ। फिर ये बालों वाला पोर्शन आसान है, तुम्हें बस बालों का जो सही कर्व है, जैसे ये कर्व से जा रहे, ये डाउनवर्ड कर्व से जा रहे, ठीक है, इस तरीके से अपन ने इतना फेस का स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ से अपना नेक्स आएगा, ओके, तो तुम्हें इस तरीके से ड्रॉ करना है। इसके बाद अपन नेक और हेयर बनाते हैं, तो पहले इतना कर लो अच्छे तरीके से। तो नेक वाले पोर्शन पे आओ, ठीक है, यहाँ आए, फिर नीचे यहाँ मार्किंग करी नाइन्थ पे, फिर यहाँ से कर्व लेगा ये, यहाँ आगे जाएगा इलेवेंथ पे। तो ये मैंने फ्री हैंड लगा दिए, तुम लोग स्केल से लगाना। अपन इस तरीके से नेक लेते हुए आए कर्व, ठीक है, ये आया। अब ये मोतियों की जो माला है इसने पहन रखी है, ठीक है, नेकलेसेस का, वो अपन को ऐसे नहीं बनाना अभी तुरंत, अभी एक रफ सा बना लो कि बस इस तरीके से अराउंड द नेक यहाँ तक जा रहा, तो एक कर्व के साथ, उतनी ही विथ के साथ, जैसे इसका विथ 0.5 सेंटीमीटर है, तो तुम्हें उतनी ही विथ के साथ ये बनाना है। तो ये नेक वाले पोर्शन का हो गया। अब ये जो बाल बनाए थे तुम देखो, ऐसे एक्सटेंड हो गए यहाँ से टच करके ये आए, ठीक है, फिर ये टच करके ये निकले, तो ये अपना पोर्शन ऐसे हो गया। नेक का यूजुअली तुम देखो अगर, तो ये पूरा डार्क एरिया है,
नेक का अगर अपन को बनाना भी होगा तो वो इस तरीके से जाएगा नेक का, तो वो होएगा नहीं वैसे, वो पूरा शेडिंग में ढक जाएगा। तो अपना मेनली इतना हो गया है, ठीक है। अब आते हैं हेयर्स वाले पोर्शन पे। तो हेयर्स पे देखो, यहाँ पीछे से जा रही है ऐसे, जो हेयर लाइन है ऊपर कर्व होती गई और ये पीछे की तरफ जा रही है ऐसे, इतना जा रहा है। यहां से अपन कर्व करते हुए नीचे नीचे लाए, यहां से थोड़ा उठाया अपन ने कर्व, ये वाला देख सकते हो डिफरेंस में। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो फोन या लैपटॉप पे खोलो इमेज अपनी और उससे देखो, ये अपन ने ऐसे बनाया कर्व। अपन को मेनली क्या है, बाल, अभी तो अपन आउटलाइन बना रहे, बाल ज्यादा इसमें अपन को ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं, ये सीधे जा रहे हैं नीचे कर्व, इससे ज्यादा यहाँ कुछ नहीं है। बाल यहाँ है, यहाँ आते आते नीचे चेहरे के पास बस ऐसे खत्म। ये जो अलग से जा रहे हैं, ये जब अपन शेडिंग करेंगे बाल बनाएंगे तब बना लेंगे। यहाँ से आए बाल इस तरीके से कर्व होते हुए ये नीचे, यहाँ से ऐसे ये कर्व होते हुए नीचे, ठीक है। तो ये अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले हुए, राइट हैंड साइड वाले भी सिंपल है। देखो मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं है फ्री हैंड बनाने की, तुमसे अगर नहीं बन रहा है तो तुम्हें क्या करना, तो मेजरमेंट लिया, जैसे 7.1 से निकल रहा है, फिर 7.1 से निकला, फिर 8.2 से निकला ऐसे, फिर ये 8.3 से 0.9 सेंटीमीटर राइट में निकला, यहाँ पे आया, ठीक है। तुम्हें एक हिसाब से बनाना है शेप भी, अब ऐसे नहीं कि पूरे यहाँ से या कर्व में जोड़ दिया, नहीं। यहाँ देखो ये लाइन नंबर 6 के ऊपर से अभी थोड़ा शेप में आने लगी है ऐसे, तो ये ऐसे अपन शेप बना रहे हैं, ठीक है इस तरीके से। अभी एक थोड़ा रफ रफ सा बना दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि बाकी सब अपन वो शेडिंग और हैचिंग में संभाल लेते हैं इसकी। ये अपन ने बालों के बस ये जो जा रहे हैं ना, यहाँ से जो बाल आ रहे हैं से, ये वाला पोर्शन देख सकते हो, ये थोड़ा एक अलग सा है, ये अपन ने बनाया और इसे कर्व करके जॉइन कर दिया, ये बालों वाला पोर्शन हो जाता है। इसके बाद अपन आते हैं नीचे वाले पोर्शन पे। तो नीचे आए अपन, तो ये जो शोल्डर वाला बैक वाला रीजन जा रहा है इसका, वो यहाँ तक आया। अब तुम्हें ये कपड़े बनाना, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करो कि कौन सा पॉइंट हुआ अपना 4.12 हुआ ये, इसके ऊपर से ऐसे कर्व होते हुए जा रही है ये जो डिज़ाइन जा रही ना अपनी, अपन इसी को ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके साथ इसके जैसी एक और बॉर्डर बनाएंगे। अब तुम्हें ये डिज़ाइन बनानी है, ठीक है, तो या तो तुम अभी एकदम डिटेल के साथ बना लो या फिर डिटेल बाद के लिए छोड़ो। और एक जो शेप है, वो जो मेन शेप सा नहीं आ रहा है, ये मेन शेप सा बना लो, ये पीछे की तरफ जाता हुआ एक मेन शेप बना लिया अपन ने, और ये शोल्डर ऐसे नीचे निकल गए, ठीक है। यहीं पे स्केच खत्म हो रहा है अपना। ये फ्लावर वाला जो रीजन आता है, जरा ध्यान देना, फ्लावर वाले रीजन में क्या करो, तुम फ्लावर की सिर्फ आउटलाइन बनाओ, ठीक है। फ्लावर के अंदर का जो हिसाब है, या तो तुम होमवर्क समझ लो अपना, या घर पे कर पाओ तो अच्छा है, ठीक है, वरना मैं बताऊंगा शेडिंग वाले पार्ट में। अभी अपन हल्का हल्का एक आउटलाइन टाइप बना रहे हैं। अगर देखो तुम्हें वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, छोड़ सकते हो, और कुछ नया सीखना है तो बना लो बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर्व करते हुए लाए, ठीक है, इस तरीके से अपना पूरा जो बाहर का चेहरे का जो सब का हिसाब है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, ठीक है, इतना बनाओ, इतना ही काफ़ी है। फिर अपन जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन देखेंगे कि कैसे फेशियल फीचर्स बनाते हैं, उससे पहले उसके लिए आईज नोज लिप्स की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है।